हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का टॉपिक बड़ा कमाल का है, बीएसएस के बारे में जानेंगे, बेस स्टेशन सबसिस्टम। हालांकि इससे जो पहला वीडियो इसमें मैंने कवर किया था, लेकिन बड़ी शॉर्ट में कवर किया था, लेकिन अभी यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे, इसके वर्किंग को समझेंगे, क्या क्या हर एक का फंक्शन है वो देखेंगे। सिर्फ अपना फोकस मुझे 5 मिनट के लिए दे दीजिए, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे भाई साहब बीएसएस क्या चीज थी। सो बीएसएस के जो दो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है बीएससी और बीटीएस। बीएससी मतलब क्या, बेस स्टेशन कंट्रोलर। जितने भी बेस स्टेशन आते हैं आपके रीजन में, उसको कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो बेस स्टेशन का होता है। ओके, एंड देयर आर मेनी बीटीएस इन अ गिवन बीएसएस। क्या बोला मैंने, देयर आर मेनी बीटीएस इन अ गिवन बीएसएस। बीटीएस मतलब क्या, एक तरीके का बेस स्टेशन जिसके पास ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग की पावर होती है, दैट इज बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ओके, बीटीएस को एक विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए लाइक अ टावर। खिड़की के बाहर जाइए, देखिए टावर खड़ा होगा, कई कईयों के बीच यू नो दिखेगा भी नहीं टावर, क्योंकि उनका घर थोड़ा दूर होगा टावर से, लेकिन एक इमेजिन कीजिए टावर होता है। ओके, वो इट इज नथिंग बट योर बीटीएस, ठीक है। लेकिन अब बीटीएस का सिर्फ यू नो एक टावर ही, उसका फंक्शनलिटी क्या है, वो क्या क्या उसके पास होता है। सो बीटीएस इज नथिंग बट टीआरएक्स। मतलब मैंने जैसे बताया आपको, टीआरएक्स किस लिए काम आता है, फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पर्पस। जो भी सिग्नल्स आपका ट्रांसमिट करता है बीटीएस, किसको ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स, आपके मोबाइल स्टेशन को। मोबाइल स्टेशन पे आपको दंडिया दिखती है ना, 1, 2, 3, 4, तो वो सिग्नल्स कहां से आते हैं, दैट कम्स फ्रॉम बीटीएस, फ्रॉम द टीआरएक्स। तो बीटीएस का एक कंपोनेंट समझ लीजिए टीआरएक्स, जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, आपका मोबाइल रिसीव करता है सिग्नल को, और सिग्नल मिलने के बाद ही वो कॉल कर सकता है, अपनी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म कर सकता है। तो बीटीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस व्हेन वी आर कंसीडरिंग ऑफ सिग्नल्स फॉर मोबाइल स्टेशंस। उसके बाद वो जो सिग्नल भेजता है, बीटीएस जो सिग्नल भेजता है मोबाइल स्टेशन को, वो सिग्नल को प्रोसेस भी तो करना पड़ता है ना। मतलब जो चीज बीटीएस, जो सिग्नल बीटीएस दे रहा है मोबाइल स्टेशन को, क्या वो सही है या नहीं, उसके अंदर कोई नॉइस तो नहीं, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, उसके अंदर कोई डिसफंक्शनलिटी तो नहीं, वो सब कुछ चेक करने के लिए सिग्नल का प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। वो जो भी जिस भी इक्विपमेंट के थ्रू भेज रहा है सिग्नल्स को, उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। एंटीनास भी होते हैं बीटीएस के पास, सो दिस इज इन अ वे हाउ द बीटीएस इज कंट्रोलिंग और सेंडिंग द सिग्नल्स टू मोबाइल स्टेशंस। एंड हर एक बीटीएस जो है वो एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है बाय बीएससी। अभी देखते हैं बीएससी क्या करता है। बीएससी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शनलिटीज है, ऑपरेशंस है, वो क्या होते हैं। बीएससी को अगर देखोगे, अलोकेट चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। ये क्या करता है, अलोकेट चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। मतलब क्या, मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया, ठीक है। तो अभी मानिए दिस इज यू नो ये मैम, ओके ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको कॉल लगाया। सी, मैं अगर उससे बात करता हूँ तो मेरी आवाज उस तक पहुंचने के लिए मीडियम तो चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरी वॉइस यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए भाई, कुछ तो मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम कौन देगा, मीडियम क्या होता है, तो वो जो मीडियम है दैट इज नथिंग बट द चैनल, एंड दैट चैनल इज नथिंग बट अलोकेटेड बाय बीएससी। तो बेस स्टेशन कंट्रोलर अलोकेट करता है भैया चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। जब तक ड्यूरेशन चल रहा है, जब तक कॉल चल रहा है, तब तक वो चैनल बना रहना चाहिए। इतना ही नहीं, वो जो चैनल प्रोवाइड किया, वो जो कॉल है, कॉल को भी मॉनिटर कौन करता है, बीएससी उसको मॉनिटर करता है। मॉनिटर मतलब चेक करता है कि भैया कॉल चल रहा है ना, ठीक से चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना, क्वालिटी तो सही है ना चैनल की, ये सब कुछ अश्योर कौन करता है, बीएस, दैट इज मॉनिटर्स द क्वालिटी, मेंटेन्स द कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंट्रोल भी करता है, यस। सी नाउ कंट्रोल्स द पावर ट्रांसमिटेड बाय बीटीएस एंड एमएस। बीएससी के कंट्रोल में क्या क्या है, सॉरी बीएससी के कंट्रोल में बहुत सारे बीटीएस कंट्रोल में होते हैं उसके, ठीक है। तो वो ये भी ध्यान रखता है कि भैया ऑब्वियसली इट इज लाइक अ चाइल्ड, यार ये बच्चों की तरह है। बीएससी के लिए सारे के सारे बीटीएस इज लाइक ए चाइल्ड, बच्चों की तरह है। तो बाप क्या चाहेगा कि भैया बच्चों का सब सही रहे, कहीं भी अगर ट्रैफिक आता है, कहीं भी अगर ज्यादा पावर थ्रीशोल्ड के ऊपर चली जाती है ट्रांसमिटिंग की, तो उसको वो कंट्रोल में लाने का काम, थ्रीशोल्ड के अंदर लाने का काम बीएससी करता है, ठीक है। हैंडल्स द हैंडओवर, हैंड ऑफ, ये वीडियो मैंने बनाया, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मोबाइल कम्युनिकेशन की बड़ी अच्छी आसान भाषा में समझाया विद एग्जांपल्स, आपको समझ में आ जाएगा हैंड ओवर हैंड ऑफ क्या होता है। एंड दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय बीएससी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक और चीज, बीएससी और बीटीएस किस इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो वो जो इंटरफेस है इट इज नथिंग बट एबीएस इंटरफेस। एबीएस इंटरफेस के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड होते हैं विद इन बीएसएस। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज वो तीन मैजिकल चीजें, मेरे वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।